हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं सुबह 7:15 पर उठी थी। 15 मिनट लेट हो गई मैं। फ्रेश होने के बाद यहाँ पे मैं अपना मुंह धो रही थी, फेस वॉश करने लग रही थी सुबह सुबह, क्योंकि अभी मेरा सुबह सुबह नहाने का दिल नहीं कर रहा था। मैं आराम से 10-11 बजे तक, थोड़ा दिन निकलेगा तब मैं नहाऊंगी। अब मैं क्या कर रही थी, जाके अपना आँखों में थोड़ा सा काजल लगा लेती हूँ। ये मेरा रूटीन रहता है। और एक बात तो मुझे समझ में आ चुकी है, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है तो मुझे किताबों से दोस्ती तो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी कुछ भी ज़िंदगी में ना मुझे कहीं खुशियाँ नहीं मिलेगी, सिर्फ बुक्स में ही मिलेगी। तो अब से मैं किताबें रोज़ पढ़ा करूँगी, बैठ के थोड़ी देर, चाहे 1 घंटा निकाल के पढ़ूं। या मैं अपना वजन चेक कर रही थी, 67.2 kg आ गया था। तो कल से मैंने रोज सुबह उठते ही ना, ब्रश भी मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं गर्म पानी पीने की मैंने आदत डाली है। मेरे सब्सक्राइबर ने ही बोला था मुझे, उन्होंने बोला था कि आप ना रोज ये एक हैबिट डाल लो, अगर आप रोज 1 गिलास गुनगुना सा पानी सुबह सो के उठ के पियोगे ना, तो आप देख लेना आपका वजन कितनी जल्दी कम होगा और बढ़ेगा भी नहीं कभी। तो मैंने सोचा कि ये आदत तो मुझे डालनी पड़ेगी अपने अंदर। बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे पानी पीने की बिल्कुल आदत नहीं है, और सुबह जब मैं पानी पीती हूँ ना तो मुझे उल्टी आने को होती है, मेरा जी खराब हो जाता है, हैवी हैवी सा लगता है। इसीलिए मैं आराम आराम से पी रही थी पानी, एक एक घूंट करके, क्योंकि एकदम से नहीं पी सकती मैं पानी। अच्छी बात है, देखिए हैबिट होनी चाहिए पानी पीने की। और कल मैंने पूरे दिन में 6 गिलास पानी पिया था। अच्छी बात है, क्योंकि मैं इतना पानी कभी नहीं पिया था। आज मैं 8 गिलास पक्का पीऊँगी। वैसे तो देखिए पूरा दिन तो मेरा नॉर्मल ही जाता है, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ, मुझे पता है काम करती रहूंगी, ध्यान नहीं जाता। लेकिन रात को जो 9:30 बजे 10 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम होता है ना, उस टाइम क्योंकि पुरानी चीजों में दिमाग जाता है, इसीलिए मैंने सोचा है कि उस टाइम में अपनी ना कोई किताब लेके बैठ जाया करूंगी, कोई बुक पढ़ ली, तो फिर माइंड ना आपका ना उसी बुक में चला जाया करेगा, है ना। सुबह 8 बजे से मेरी मम्मी आते हैं, तो ना मैं उससे पहले सारे, हाँ बेटा, हाँ विहान भी जाग गया है, तो मैं ये कह रही थी कि ना मैं सारे बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि वरना अगर मेरे बर्तन यहाँ पे दिखेंगे ना सिंक में, मम्मी आते ही सबसे पहले बर्तन धोना शुरू कर देते हैं। और मैं मम्मी को कहती हूँ कि मम्मी बर्तनों के हाथ मत लगाया करो आप, बल्कि मैं तो कपड़े भी मेरे धोने से मना करती हूँ मम्मी को। पता है एक्चुअली क्या है, मेरी आदत नहीं है कि मैं रोज के रोज कपड़े धो दूँ। कई लोगों की आदत होती है, नहाने जाते हैं साथ के साथ ना धो देते हैं। मेरी आदत है कि मैं 3 दिन में एक बार जैसे कपड़े धोती हूँ, तो मैं कपड़े इकट्ठे करती हूँ अपने, कि चलो 2-3 दिन के इकट्ठे हो जाएंगे फिर मैं उनको वॉश करूंगी। मैं क्या, मम्मी क्या करते हैं, जैसे मैले कपड़े मेरे उठा के रोज की रोज ले जाते हैं, क्योंकि वो डेली कपड़े धोते हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी को मैं बोलती हूँ कि मम्मी मेरे कपड़े मत छुआ करो, बट क्या करें, मम्मी मानती नहीं। मम्मी कहती है कि तेरे तू यूट्यूब का काम भी करती है, तो मेरे को ये लगता है कि तेरी थोड़ी मदद हो जाएगी, तेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा वीडियो का काम करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। ये पानी की बाल्टी ना मैंने भर के रखी थी, अभी मैं आई, मैंने कहा मैं पौधों को पानी दे देती हूँ, और ये पानी यहाँ से है ही नहीं, गया कहाँ। मैं मम्मी को आने दो, मम्मी से पूछती हूँ किसने लिया मेरा पानी। यार मैं मतलब क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे एक तो मेरा पानी यहाँ से किसी ने ले लिया, मैंने यहाँ बाल्टी रख रखी थी, है ना। और दूसरा ये देखो, ये ना मेन बिजली की वायर है करंट की, है ना, ये वाली जो आपको दिख रही है ना, रेड और ब्लैक, और मैंने इस पे ना सारा पे हमने मिट्टी डाल दी थी, पूरा बंद था, और किसी ने देखो ये वायर ही निकाल दी दोबारा से बाहर। ये चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि मैं इसलिए रखती हूँ यहाँ पे इसको बंद करके, कल को बच्चा है मेरा छोटा, वो ना छू ले, मतलब किसने भी किया हो ना फिर से वायर निकाल दी है। सारी मिट्टी डाली थी इस पे कि बच्चा ना छू ले, मैं फिर डालूंगी मिट्टी। एक मिनट, कल को कोई हादसा ना होता कि मिट्टी तो मैं डालूंगी। अब ठीक है, पता है इतने सारे अंगूर कितने दिन हो गए खाते खाते, इतने रज गए हैं ना, अब तो मैं पापा जी को बोलूंगी अब कम से कम ये जब अंगूर खत्म हो जाएं उसके बाद 10-15 दिन हमारे घर में मुझे अंगूर दिखने नहीं चाहिए। इतना मुंह मीठा मीठा सा रहता है, अंगूर भी तो मीठे मीठे से होते हैं, और कोई भी चीज़ ना अगर थोड़ी होती है ना तो वो अच्छी लगती है खाने में, और जब भर भर के आ जाती है ना तो रज जाता है दिल ही, फिर मन ही नहीं करता खाने का। तो यहाँ पे देखिए अभी कितने सारे अंगूर अभी भी रखे हुए
हुए हैं, काफी हद तक तो हमने खत्म कर दिए। तो मैं आज सुबह पापा जी के पास मैंने फोन मिलाया, मैं बोलती पापा जी अंगूर कल कल चलेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं चलेंगे, आज और कल। तो आपको अगर किशमिश बनानी है तो बना लो, आप कह रहे थे। तो पापा जी बोलते आज मैं आऊंगा किशमिश बनाने के लिए। तो ये देखिए मैं, मेरा ये रूटीन रहता है और मैं इसको 3 बार अच्छे से पानी में से निकाल के धो के फिर मैं निकाल के रखती हूँ ताकि विहान भी खा ले और मैं भी खा लूँ। तो देखिए मेरे को ना मेरे बच्चे के लिए ना, क्योंकि इतनी हैवी दवाइयाँ लिख रखी है ना डॉक्टर ने मुझे, इसीलिए मैं ये फ्रूट वगैरह बच्चे का ना बिल्कुल छूटने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ना मेरे को ये कि साइड इफेक्ट ना करे दवाइयाँ इतनी, है ना। अगर खुराक अच्छी लेगा ना बच्चा तो नुकसान नहीं करती, तो इसीलिए कभी जूस भी कोशिश करती रहती हूँ, दूध भी कि फ्रूट भी, कि कुछ ना कुछ बच्चे के शरीर में जाए। फिर भी पता है मुझे संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि विहान के आगे पीछे इतना कुछ बना के लाती हूँ ना, वो खाता ही नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा चूजी है खाने पीने के मामले में। गैस पे एक तरफ मैंने मैक्रोनी उबालनी रख दी है, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ मखाने। ये तो बन गए, देखिए नहीं खानी चाहिए थी मुझे ये मैक्रोनी, और बाद में पछतावा भी हुआ और मैं खाना नहीं चाहती थी, बट ये ना डब्बा ख़राब होने वाला था मैक्रोनी का, मैंने ला के रख रखा था, कई 4-5 महीने का रखा था, अभी एक पास्ते का भी रखा हुआ है, और अब मुझे ना बुरा सा लग रहा है कि यार तू उसे बढ़िया ना डस्टबिन में ही फेंक देना, 25-30 रुपये बचाने के चक्कर में कि ख़राब जाएगी चीज़, तेरे को पता है कि मैदा तेरे लिए नुकसानदायक है, उसके बाद भी तूने बना के खाने लग रही है, तो यहाँ पे गलती सारी तेरी ही है। मैक्रोनी हमारी बढ़िया तरीके से उबल गई है, पापा जी आपने तो यहाँ रास्ता ही रोक लिया, ऊपर किसी को जाना हो तो बेटे ऊपर जाना ना जाना मेरे बस की बात थोड़ी हो, तो सारी भगवान के बस की बात हो गई। खा रहे ये? मैक्रोनी हमारी बनके हो गई है बढ़िया सी तैयार। मैंने विहान को मखाने खिला दिए, उसने अच्छे से खा लिए, अभी मैंने थोड़े से इतने से अंगूर भी खिलाए हैं, अभी और अंगूर ही खिलाने लग रही हूँ, फिर बाबू के लिए थोड़ा सा जूस बनाऊंगी, जूस पी लेगा, उसके बाद ना जैसे 11-11:30 बजे तक नाश्ता करता है, मतलब सुबह थोड़ा हल्का फुल्का लेता है जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, तो फिर मैं इसको बाबू को ना फिर खाना भी खिला दूंगी, आधा पराठा खाएगा। हाँ मेरा बच्चा आ जाए। हाँ मेरी लाडो बाला, तो रात को मम्मा आपका हाथ पकड़ के सोई थी। हाँ बाला गड्डी। तो मैं ये कह रही थी कि अब जो मैक्रोनी बची हुई है, देखो मैंने एक टाइम की तो खा ली, अब मैं दूसरा टाइम नहीं खाऊंगी, अब मैं इसको डस्टबिन में फेंकूंगी, क्योंकि ना मेरे मम्मी खाते ना मेरे पापा जी खाते, और आजकल किसी को देने का धर्म नहीं है, कल को मैं किसी को मैक्रोनी बनी हुई दे दूं, कोई बीमार हो जाए, है ना, कोई सारा नाम मेरे ऊपर आ जाए। तो देखिए मैंने, हाँ मेरा बच्चा, हाँ बाला गड्डी है। मैं मेरे बच्चे को अब से मैदे की बनी हुई कोई भी चीज नहीं दूंगी, मेरे को मेरे बच्चे की डाइट का बहुत ज्यादा अब ध्यान रखने की जरूरत है, रखना तो खुद का भी चाहिए, है ना। तो आगे से ये जो गलती आज मैंने करी है ना मैक्रोनी वाली, मैं नहीं खाऊंगी, मीठा तो मैंने छोड़ रखा है। हाँ बाला गड्डी। तो मैं कह रही थी कि देखिए मैंने मीठा कल से छोड़ा है, तो कल मैंने पूरे दिन में, वरना मैं कम से कम काफी अच्छा खासा मीठा रोज खाती थी, कल मुझे रात को बेचैनी भी हो रही थी, क्योंकि एक होता नहीं विड्रोल सिम्टम्स होते हैं जब आप कोई चीज रोज खाते हो और वो एकदम से छोड़ो, तो रात को मेरे को इतनी चिड़चिड़ापन सा आ रहा था। हाँ मेरा बच्चा, और मैं भी, हाँ मेरा बच्चा बाला गड्डी दूसरी लेके आ। तो मैं अब से मैंने ये तो चीज ठान ली है कि देखो मीठा तो मैं छोड़ ही रही हूँ करके, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं खत्म कर रही हूँ मीठा, मैदा भी नहीं खाना है क्योंकि शरीर को बहुत नुकसान देता है, आज खा लिया मैंने आपके सामने और पछतावा बहुत हो रहा है मुझे इस टाइम कि नहीं बनाना था।
सिर्फ बनाई भी इस चक्कर में थी, हाँ बाला गड्डी सिर्फ बनाई भी इस चक्कर में थी कि खराब ना जाए, पैसों में आ रखी है चीज, लेकिन पैसों में अगर जहर मिलता है तो क्या जहर खा लेना चाहिए, आप ही बताइए, नहीं ना। तो ये गलती तो मैंने करी। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ पैकेट रखे हुए हैं मैगी के और ऐसी वैसी चीजों के, वो मैं दे दूं किसी को, मतलब वो तो खोल, हाँ बाला गड्डी। इसमें एक तो ये पैकेट मैगी का है, एक ये पैकेट है पास्ता का, मेरे पास रखा है जो कि खोला भी नहीं है, ये देख सकते हो आप। एक ये दूसरा टाइप का पास्ता है, दो तरीके के पास्ता है मेरे पास जो कि नहीं खोला हुआ, और ये पैकेट मैंने खोला था, इसमें से बस थोड़ी सी बनाई थी मैगी, वैसे 6 का था ये पैक भी मैगी का, रखा है नूडल्स का। तो ये है जो कि मुझे अब नहीं खाना। एक पैकेट और मिल गया मुझे बिना खुला, ये भी इसी में रख देते हैं। मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी चेक कर ली, एक भी प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं है, 2024 के मिड में एक्सपायर है, मतलब पूरे एक साल की अभी पड़ी है। मतलब सोच के देखो, दो दो ढाई ढाई साल ये प्रोडक्ट खराब नहीं होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ फेंकने से बढ़िया है किसी के मुंह चले जाए, है ना, अन्न को क्यों अब कूड़े में फेंकना, मैं किसी को दे देती हूँ ज़रूरतमंद को, वो खा लेगा। मम्मी किसी ज़रूरतमंद को देने, मेरे को खानी नहीं, आप खा लोगे, लेकिन आप पास्ता तो नहीं खाते, पास्ता इसमें तो मैक्रोनी वगैरह आप कहते हो कि पसंद नहीं करते, रख दे थोड़ा बहुत तकड़ी बना लेंगे, खा लोगे आप, अब नहीं लाऊंगी, आप खा लोगे, मैं तो सोची थी दे आती, अच्छा ये देखिए मम्मी सब्जी मंडी गई होगी, वहां से क्या क्या लेकर आई है, इसमें चीकू भी है, केले है, तरबूज, तरबूज क्यों लाए मम्मा, खरबूजा एक, और भी काफी कुछ है, इसमें सेब भी नजर आ रहे हैं, सेब भी लाए हैं। मम्मी कह रहे हैं अभी ना लाइए, अब थोड़ी थोड़ी बना लेंगे, अब तो अभी आगे से तो नहीं लाऊंगी, तो मम्मी ऐसी ही होती हैं, मम्मी को ये लगता है कि यार ये चीज यूज हो जाएगी घर में, तो मम्मी बना के खा लेंगे। अच्छा है मेरे घर से तो निकली, मेरे को तो अपने घर से निकालनी थी क्योंकि खानी नहीं है अब, है ना। तो चलो घर की तरफ चलते हैं, और विहान बाबू मेरा इंतजार कर रहे हैं, देखो गेट पे खड़ा है। तो अभी हमें विहान का खाने पीने का अरेंजमेंट करती हूँ, इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, बोलो बाय बाय, बाय बाय।